नमस्कार क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। मदन ओडिशा के एक छोटे से गांव में पला बड़ा, पढ़ लिख कर वही एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। नौकरी में लगातार हुए प्रमोशन से उसे खूब तरक्की और शोहरत की प्राप्ति हुई। वह अब शहर में रहने लगा। वहां मदन को 11वीं मंजिल पर एक आलीशान फ्लैट कंपनी के द्वारा मिला। मदन अपनी पत्नी को एक बच्चे के साथ खूब ऐसो आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद मदन के पिताजी उनसे मिलने शहर आए। उसके पिताजी बेहद ही वृद्ध और सरल निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात न चाहते हुए भी हाथ पैर हिलना, धुंधला दिखना आदि। मदन के पिताजी और वह उसकी पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के बाद अपने पोते के साथ फ्लैट में दिन भर रहते और दोनों खूब बातें करते। अपने पोते को बढ़िया बढ़िया कहानी रामायण महाभारत और बुद्धिवर्धक कहानियां सुनाते। पोता खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता। उस नन्हे से पोते का नाम श्याम था। घर में महंगे महंगे चीनी मिट्टी और अन्य क्रोकरी के सामान थे। एक दिन की बात है, दादाजी को क्रोकरी के बर्तन में खाने को मिला। उनका हाथ काबू में ना रहने के कारण हाथ हिलकर क्रोकरी गिरकर टूट गई। इस पर मदन की पत्नी ने बाजार से एक लकड़ी का बर्तन सेट ले आई, जिसमें थाली कटोरी आदि शामिल था। अब दादाजी को नित्य प्रतिदिन दादाजी को उन बर्तनों में खाना मिलने लगा। दादाजी को इन बातों का बुरा तो लगा, किंतु उन्होंने किसी से कहा नहीं। एक दिन श्याम खेल खेल में लकड़ी से कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर मदन और उनकी पत्नी यानी कि श्याम के मम्मी पापा ने डांट लगाए और कारण पूछा कि यह क्या कर रहे हो। श्याम ने बालोचित उत्तर दिया, मैं लकड़ी के कटोरे और बर्तन बना रहा हूँ। इस पर श्याम के मम्मी पापा ने पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसे क्यों बना रहे हो। श्याम ने जवाब दिया कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इस बर्तन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बना रहा हो। अब मदन और उनकी पत्नी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी ने पिताजी से पैर छू कर क्षमा याचना की। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अतः उनसे माफी मिलने में देरी नहीं होती। नैतिक शिक्षा, जैसा कर्म करते हैं फल भी वैसा ही मिलता है, अतः अपने कर्म अच्छे करने चाहिए।